हम आप पहुंचे हैं कुमाऊं के उस विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो यानी के इस अभेद्य किले को क्या बीजेपी ढा पाएगी? नरेंद्र तिवारी जी ने इस हल्द्वानी को बहुत सजाया सवारा। सबसे पहली हमारी उपलब्धि यही है कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया। हल्द्वानी में डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या हुआ, मुझे ये बताइए। 207 तरीके की जांचें सरकारी अस्पतालों में निशुल्क है। पूरी प्रदेश की जनता को घायल करा भारतीय जनता पार्टी ने, ये डबल इंजन की सरकार। विजय बोगड़ा जी को क्यों हटाया था? जोशी जी डरते थे क्या? जोशी जी की बात नहीं, बहुत अच्छे आदमी है जोशी जी, कुलभाई जी बहुत अच्छे आदमी है। फिर डरता कौन था? अच्छे आप डरते थे, जनता डरी ना। ट्रेन में डिलीवरी हो सकती है तो अस्पताल किस काम के है, बंद करिए ने। अगर कोई महिला के प्रेग्नेंट लेडी की रास्ते में डिलीवरी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी नेता नहीं है, उसका जिम्मेदार पूरा समाज है। देखिए, कांग्रेस गई टूट, भाजपा रही लूट, ये तो आज का नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज हम आप पहुंचे हैं कुमाऊं के उस विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। बात हम कर रहे हैं हल्द्वानी की। ये वो विधानसभा सीट है जहां कभी कांग्रेस का चेहरा रहे इंदिरा हृदयेश ने अपना किला स्थापित किया, लेकिन अब इंदिरा हृदयेश हमारे बीच में नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हल्द्वानी के इस अभेद्य किले को क्या बीजेपी ढा पाएगी, और आखिरकार हल्द्वानी के वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार हल्द्वानी की जनता तय करेगी और उसी आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर अपनी ताकत यानी कि वोट का इस्तेमाल करेगी। तो हल्द्वानी की जनता भी हमारे साथ है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले इन जनप्रतिनिधियों से हम आपको रूबरू करवा देते हैं कि आखिरकार ये कौन कौन से चेहरे हैं जो जनता के सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे हल्द्वानी में इस बार उनकी जीत या फिर हार। सबसे पहले आपको मिलाते हैं बीजेपी के चेहरे से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दिनेश खोलवे साहब, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि क्या इस बार हल्द्वानी में कमल खिलेगा या फिर नहीं। साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ भुवन जोशी मौजूद है, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के चेहरे हैं हल्द्वानी से। समाजवादी पार्टी से शौर्य जी हमारे साथ पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ ललित जोशी यहाँ पर मौजूद है। ललित जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात हल्द्वानी की है तो हल्द्वानी के विकास से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत जोशी जी आपसे करेंगे क्योंकि हल्द्वानी कांग्रेस अपना किला मानती है। आज इंदिरा जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हल्द्वानी में हाथ होगा मजबूत, और अगर हाथ होगा मजबूत तो सबसे पहले हल्द्वानी की जनता को बताइए आपकी तीन उपलब्धियां कौन सी हैं। देखिए, हल्द्वानी हमेशा से नरेंद्र तिवारी की विशेष तौर पर कर्मस्थली रही है, और नरेंद्र तिवारी जी ने इस हल्द्वानी को बहुत सजाया सवारा। उसके बाद जो लोग भी आए, उन लोगों में कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो विकास के इतिहास रहा है। कांग्रेस सांप्रदायिक मामलों में जैसी भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसे मामलों में कभी नहीं पड़ती। आप तीन उपलब्धि, अगर सत्ता में रहती है, नहीं मैं बता रहा हूँ, जो सब सत्ता में रहती है तो वो काम करने के लिए रहती है। जहां तक तीन उपलब्धियों की बात है, मैं कहता हूँ तिवारी जी के द्वारा बनाया जो सिडकुल था, तिवारी साहब के समय पर 20 वर्ष इस उत्तराखंड राज्य को हो गए हैं। मैं तो तिवारी जी की उपलब्धि नहीं पूछ रहा, मैं इंदिरा जी की उपलब्धि। देखिए, ये तो कांग्रेस की सामूहिक उपलब्धि है ना, इंदिरा जी की उपलब्धि। नहीं नहीं, क्यों नहीं है, इंदिरा जी की भी उपलब्धियां हैं, ये तो सामूहिक पूछ रहा हूँ कि इंदिरा जी की तीन उपलब्धियां। इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, कांग्रेस पार्टी एक है। मैं किसी एक व्यक्ति की बात में नहीं कर रहा, तिवारी जी सबसे सीनियर व्यक्ति है हमारे। आज भी नरेंद्र तिवारी जी के नाम पर बतौर विधायक इंदिरा हृदयेश की तीन उपलब्धियां कौन सी? पूरी बात सुनने देंगे, आप अपनी बात करेंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने एज अ होल, चाहे नरेंद्र तिवारी रहे हों, चाहे हरीश रावत जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, हम कांग्रेस ने सामूहिक रूप से जनता के हित के लिए कार्य किया। आप अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो सिडकुल में जिस तरीके से फैक्ट्री नरेंद्र तिवारी ने लगाई है, आज उन फैक्ट्रियों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उजाड़ने के कगार पर आ गई है। सबसे पहली हमारी उपलब्धि यही है कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया। सड़कों की अगर हम बात करें, अगर हम और कई चीजों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस राज्य का विशेष तौर पर हल्द्वानी का, तो मैं ये समझता हूँ कि सामूहिक रूप से कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तीन उपलब्धि नहीं गिनवाई, लेकिन आपने, मैंने गलत सवाल पूछ लिया क्या जोशी जी से? मैंने पूछा तीन उपलब्धि गिनवा दीजिए, वो कह रहे तिवारी जी ने सिडकुल बनाया था। तिवारी, अभी ललित जी ने जो कहा तीन उपलब्धियां, ये नहीं गिना पाए, कुछ होती तो जरूर गिनाते, सच्चे व्यक्ति हैं। अच्छा, हल्द्वानी में विकास नहीं हुआ? मैं पहले उनकी बातों पर जरूर बोलना चाहूंगा। हल्द्वानी में विकास हुआ कि नहीं? हल्द्वानी में विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
एक चश्मे से पूरे प्रदेश को देखा और उसने जिस तरीके से अन्य जगहों में विकास किया उस तरीके से हल्द्वानी में आपने विकास किया वो विकास नहीं कर पाए। नहीं, पहले बात यह आती है सिटकुल की, जो उन्होंने बार बार बात कही है, नरेंद्र तिवारी जी की बात करी, नरेंद्र तिवारी जी का बहुत सम्मान है यहाँ पर, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया था और 10 वर्षों के लिए इस राज्य को कितने करों से मुक्त किया था, जिससे हल्द्वानी में डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या हुआ मुझे ये बताइए। हल्द्वानी में डबल इंजन की सरकार का ये फायदा हो रहा है, आज हल्द्वानी में मैं पूरे प्रदेश की बात भी कर रहा हूँ जिसमें हल्द्वानी भी शामिल है, 207 तरीके की जांचें सरकारी अस्पतालों में निशुल्क है। अगर 50,000 रुपए CDS NDA में कोई छात्र निकलता है तो उसको अपनी तैयारी करने के लिए मिलते हैं। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मैं बात करूं, हल्द्वानी के लिए विशेष क्या किया डबल इंजन की सरकार ने, मेरा सवाल यह है, हल्द्वानी की जनता के लिए डबल इंजन की सरकार ने किया क्या? हल्द्वानी की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ISBT बना रही थी, लेकिन बना नहीं। मैं आता हूँ ISBT पे भी आता हूँ, कुछ नहीं किया ना इन 21 सालों में। उत्तराखंड के इस हल्द्वानी शहर को आप देखेंगे, यहाँ अगर पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या, सड़कें आप देख लीजिए, सड़कों में आए होंगे आपको पता चल गया होगा कितने गड्ढे हैं और कितनी जगह नहीं दिखा दूं क्या सड़क, ये सड़क ये भी देख लीजिए आप। और ये विकास की जो बात कर रहे हैं, ये जो विकास हुआ है ये व्यक्तिगत विकास हुआ है, देखिए लोगों ने अपने अपने विकास किए, स्वयं के विकास है। और जो ISBT की बात है या यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात है, यहाँ पर आपके फ्लाईओवरों की बात है, यहाँ पर सारी जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी। जो हल्द्वानी शहर हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है और एक देहरादून, दो शहर जो उत्तराखंड के पूरे राज्य के दो शहर सबसे बड़े शहर हैं, और इन शहरों को इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए था कि यहाँ के लोगों को विकास की गति मिलती और विकास पूरे उत्तराखंड को दिखाई देता। विकास नहीं हुआ, आपने कहा कि इन्होंने अपना विकास किया, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल में आपके नेताओं ने भी तो अपना विकास किया कि नहीं किया? सत्ता की गोद में बैठ गए आप लोग सत्ता की गोद में बैठ गए, आप कहते हैं कि इन्होंने व्यक्तिगत विकास किया, लेकिन आपकी साइकिल कहाँ है? देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई अभी ललित जोशी से आपने शुरुआत की थी कि इस प्रदेश में क्या क्या कांग्रेस ने, तो मैं ललित भाई का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को होना चाहिए नेतागिरी में, सियासत में होना चाहिए, जब भी प्रदेश का भला होगा वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन जो बात अभी उन्होंने पंडित नरेंद्र तिवारी जी के लिए कही कि उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, तो उनके नाम को कहां तक पहुंचाया इस कांग्रेस ने, एक समाजवादी पार्टी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था तिवारी जी के सम्मान में, तिवारी जी के रहते हुए यहां भी एक्सप्रेसवे बनाया। आपको बता रहा हूं, जब उनका जन्मदिन में अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि नरेंद्र तिवारी जी के लिए बरेली से लेकर अपने फूलपट्टा बॉर्डर तक हम एक हाईवे बना के देंगे, एक्सप्रेसवे बना के देंगे, उसको आगे तक आपको उत्तराखंड तक लेके जाना है, जिसका नाम पंडित नरेंद्र तिवारी जी के नाम से पढ़ना था। अखिलेश जी ने वो काम पूरा कर दिया, फुल बट्टा बना दिया, वहां से ये सरकार चाहे कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस ने वो हाईवे फुल बट्टा से आगे उत्तराखंड तक नहीं जोड़ा आज तक। ये विकास की बात करते हैं, 21 साल पहले जो यहाँ बच्चा पैदा हुआ आज जवान हो गया, इन नेताओं का सिर्फ विकास अगर हुआ है तो यहाँ के नेताओं का विकास हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो या वो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के नेताओं का ही विकास हुआ। वो कह रहे हैं कि नेताओं का विकास हुआ, पूछ लो तिवारी जी के नाम पर तो हमने एक्सप्रेसवे बना दिया और आप सिडकुल की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा पहले, आप 5 साल में डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे ना, आप वो प्रश्न पूछे तो बहुत अच्छा, जहाँ तो आपसे हिसाब नहीं मांगू हल्द्वानी का, आपसे हिसाब नहीं मांगू, आप मांगे तो मैं, आप अपनी बात करें, याद है मेरी बात सुनते नहीं, मैं चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटू मेरे पिताजी का, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, चिट भी आपकी पट भी आपकी। तीन बात आपने मुझे पहले प्रश्न का जवाब नहीं देने दिया। देखिए बेरोजगारी के लिए के संदर्भ में इसके उन्मूलन के लिए कांग्रेस की तरफ से सिडकुल बनाया गया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यहाँ पर विकास भवन बने, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, भीमताल नैनीताल जिले का विकास भवन बना, रुद्रपुर में विकास भवन बना, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टेट का डेवलप हुआ वो कांग्रेस के सरकार में हुआ। आज सड़कों की हम बात करते हैं ये भी कांग्रेस के सरकार में हुआ है, मतलब इंदिरा जी ने विकास किया ना, सुनिए तो सही, सवाल पूछ सामूहिक बात करता हूँ मैं, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर सकता। अच्छा व्यक्ति विशेष की बात क्यों नहीं करा, लेकिन मैं व्यक्ति विशेष की बात इसलिए नहीं कर रहा, कांग्रेस के नेता की हैसियत से आया हूँ, ललित जोशी की हैसियत के लिए नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सामूहिक बात करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे थे, आज आप चले जाइए कहीं पर भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर की जो स्थिति आज से 5 साल पहले कांग्रेस छोड़ कर करके गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने खुद ही देख रही है, देख लीजिए जहां खड़े हैं आप, इस तरह से गड्ढे आपको मिल जाएंगे। 5 साल पहले आप देखेंगे, शोएब जी ने कुछ सवाल पूछा, शोएब जी ने जो सवाल पूछा एक्सप्रेसवे, देखिए कौन सा एक्सप्रेसवे, अपने अपने सवाल आप पहले मुझे एक सवाल है, 4 सवाल में उलझाएंगे तो मैं उलझने वाला नहीं, मैं जानता हूँ आप उलझने वाले नहीं, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना मेरी बात तो सुनिए। एक्सप्रेसवे पर आप जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे में ये केंद्र सरकार का मसला था, 2014 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उपयुक्त रूप से बताएं खुलबे जी, जिस वहां से आते हैं, जिस जगह से आते हैं,
यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर आप देखेंगे तीन पानी वाला एरिया, 5 साल से वो सड़क नहीं बन पाई, नहीं बन पाई सड़क, 5 साल हो गए, 5 साल में सड़क नहीं बना पाए आप। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये गड्ढे पीछे दिखाइए जरा, ये बड़े खतरनाक गड्ढे हैं, ये जबरदस्त गड्ढे हैं, लेकिन वो कह रहे गड्ढे वहां पे भी हैं। ललित जी भाई साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ललित जी ने एक ऊंची नीची रोड को जरूर बताया, पूरे और जगहों की बात को इन्होंने नहीं करा। आपने ललित जी से हल्द्वानी विधानसभा के बारे में बात करी, मैं तो बड़ी उम्मीदें कर रहा था ललित जी भाई साहब से, लेकिन हल्द्वानी विधानसभा की बात उन्होंने नहीं करी, उन्होंने कभी नारायण दत्त जी की बात करी, कभी उनने तीन पानी की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी की बात नहीं कर रहे, तीन पानी की बात की, जहां तक बात रोड की बात कर रहे हैं, रोड का काम एक बड़ी रोड बन रही है, करीब 1400 करोड़ रुपए की। अच्छा, बहुत बड़ी रोड बन रही है, एक रोड के बारे में मैंने भी सुना, एक रोड के बारे में मैंने सुना, आप ही के पास आ रहा हूँ, एक रोड मैंने भी सुनी, एक रोड आपके पास ही आ रहा हूँ। सवाल सुन लीजिए, आपने एक रोड का जिक्र किया, मैंने भी आते आते एक रोड का जिक्र किया, एक रिंग रोड बनने का ऐलान कभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया था क्या? रिंग रोड का ऐलान किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार के पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जाके देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रपुर और हल्द्वानी क्षेत्र के लिए चारों रिंग रोडों की बात हो रही है और देहरादून की रोड के लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया। 5 साल में आप रिंग रोड नहीं बना पाए, 5 साल में रिंग रोड नहीं बना। जैसे 21 सालों में इन दोनों सरकारों ने, चाहे भाजपा या कांग्रेस हो, ये बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, इन्होंने शिलान्यास करते हैं, सरकार जाने का समय आया था। अगर 5 साल पूरे मिले थे, 5 साल में कोई ऐसे शिलान्यास करके कोई ऐसे प्रोजेक्ट बताएं जो उन्होंने पूरा कर दिया हो। अब बात करते हैं यहाँ से देहरादून के रास्ते की, अभी यहाँ से लालकुआं पहुंचने में जो मुश्किल से 15 किलोमीटर का सफर है वो 1 घंटे में तय नहीं हो पाता, ये नेताओं ने अपने सहूलियत के लिए यहाँ से देहरादून कह रहे रिंग रोड अब बना देंगे, इस बार बना देंगे, पक्का गारंटी, काम पूरा नहीं किया बताया। पिछले लगभग 1.5-2 सालों से लगभग 100% लोगों को वैक्सीनेशन का काम इस राज्य ने किया। मैं रिंग रोड की बात की, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, रिंग रोड की बात कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन की बात, जहाँ तो सोए भाई साहब कहते हैं कि कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। मैं 1400 करोड़ रुपए की रोड की बात कर रहा हूँ, रोड का काम अलग अलग स्थानों पर अनवरत जारी है, इस समय पर भी रोड का काम आई थी 18-19 की आपदा आई थी, 18-19-20 उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा आई थी पूरे कुमाऊं क्षेत्र में, और उसमें जो ये सड़कें थी पूरी सड़कें टूट गई हैं। आज भी आप चले जाओगे, अभी आप जाओगे पहाड़ की ओर, तो आपको पता चल जाएगा वास्तविकता कि ये पिछले जो ये 2 महीने में क्या काम किया है इन्होंने, क्या काम कर रहे हैं, और उसको 10-10 दिन बंद करके पूरी जनता को परेशान किया है इन्होंने, और पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के प्रति इनका प्रेम नजर आता है उसमें कि क्या है इनकी वास्तविकता। अच्छा, रिंग रोड वाला मसला है कि नहीं है, ये रिंग रोड वाला मसला है कि नहीं? जोशी जी एक सेकंड सर, जोशी जी, ऐसा है, 3 जगहों का विकास हुआ इस उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में। पहला विकास त्रिवेंद्र सिंह रावत का, तो 4 साल तक जबरदस्ती चिपके रहे कुर्सी में, फिर वो गए, दूसरे आदमी आए जिसको नौकरी मिली वो थे तीरथ सिंह रावत, और तीसरे आकर के नाइट वॉचमैन के रूप में बैठाए गए हमारे जो है माननीय। तो नाइट वॉचमैन क्यों बैठाया जाता है कि जब सब घायल हो जाते हैं, खुद तो घायल है ही है, पूरी प्रदेश की जनता को घायल करा भारतीय जनता पार्टी ने, ये डबल इंजन की सरकार। आपकी कांग्रेस घायल नहीं है, आपकी कांग्रेस घायल नहीं है, आज तो दिल्ली तक में बवाल मत किया, आप कह रहे कांग्रेस घायल नहीं, ये तो लोकतंत्र है, आपके यहाँ लोकतंत्र है, आपके यहाँ लोकतंत्र है, ये इनका लोकतंत्र नहीं है। अगर 1 दिन की देरी हो जाती त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह की 56 विधायकों की सरकार अगले दिन गिर जाने वाली थी, ये इनका लोकतंत्र था। हमारे यहाँ लोग खुल करके बोलते हैं, उनको आजादी है खुल करके बोलने की। मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं प्रदेश कार्यालय में, वीडियो वायरल हो रहे हैं। बात मैं बताता हूँ आपको, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर आज सत्ता में ये बैठे हमारे भाई भी जो खड़े हैं यहाँ पर खुलबे जी, विपक्ष में, विपक्ष कहाँ है? अगर मैं पूछता हूँ विपक्ष कहाँ पर है? ये 5 साल जो इस प्रदेश के बर्बाद हुए हैं, यहाँ पर आज मुख्यमंत्री के 5-5, 6-6 दौरे हो जाते हैं, प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे में यहाँ पर आके तीसरी सभा करने आ रहे हैं प्रदेश के अंदर, और ये मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई नहीं दे रहे विपक्ष के रूप में। मैं भी आ रहा हूँ, ये विपक्ष में बैठ के, इन्होंने विपक्ष में बैठ के कहाँ हल्ला मचाया? आज पूरा शासन, पूरे सत्ता एक प्रधानमंत्री के दौरे मिले, सरकारी खर्चा, सारे पैसे बर्बाद कर रही है, आरटीओ यहाँ सारी गाड़ियां खींच रहा है प्रधानमंत्री के दौरे के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, ये सरकारी खर्चे में राजनीति करने जा रहे हैं। यानी जो कांग्रेस है वो बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, कह रहे विपक्ष का है। ऐसा है, जब इनको ये पता चला कि वहां पर भीड़ नहीं हो पाएगी गोलापार में, तो यहाँ पर एक छोटे से ग्राउंड में प्रधानमंत्री की सभा है, देश के प्रधानमंत्री की सभा है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मुखिया की सभा है, वो हो रही हमारे इंटर कॉलेज में। मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था ना, तो अपने आधे आधे सभाएं वहां करता था। तो भीड़ जमा हो जाएगी। अच्छा एक बात, ये क्या मिनी स्टेडियम की बात कर रहे हैं?
ये मिनी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, जो 80% काम अधूरा था और 20% आपकी डबल इंजन की सरकार नहीं पूरा कर पाई, ये उसी की बात कर रहे हैं ग्राउंड की क्या? पहले इनको ये बताना जरूरी है, एक तो आपने ललित जी ने कुछ कहा, सोएब भाई साहब के पास आप चले गए, जवाब मेरे से आपको लेना चाहिए था। जहां तक इन्होंने कहा त्रिवेंद्र सिंह जी एक दिन अगर रह जाते तो 56 विधायक उनके साथ होते, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा उन 56 विधायकों ने इन्हें बताया या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इनको बताया, पूछ लेता। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि एक इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और ये मोदी जी धन्य हैं कि इतने हल्द्वानी जैसे शहर में मोदी जी एक सभा करने के लिए आ रहे हैं। एक समय था मोदी जी पूरे हल्द्वानी के विकास की बात कर रहा हूँ, आप लोग कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं जी। हल्द्वानी के विकास की बात कर रहा हूँ, आप कांग्रेस बीजेपी। मैंने उनसे पूछा इंटर कॉलेज वही है, वही मिनी स्टेडियम जहाँ पर आप 80% काम पूरा होने के बाद 20% पूरा नहीं कर पाए, आपने 5 साल में 20% काम नहीं पूरा कर पाए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जिंदाबाद, ये 20% निकाल किसने दिया, ये 20% किसने निकाल दिया? पूरा स्टेडियम तैयार बैठा हुआ है, पूरा वहाँ कार्यक्रम हो रहा था इनका काम। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी जुड़ गए, एक मेरे साथ पैनल बढ़ा है, डीएस कोठियाल साहब भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। कोठियाल साहब आप, जी कोठियाल साहब आप आए, देर से आए लेकिन इस गड्ढों के बीच में हम फंस गए। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, सीरियस लड़ रहे हैं ना आप लोग, किनकी भी टीम है, कांग्रेस की या बीजेपी की? ये तो आप बताएं। मैं बताऊं, आप किसी का भी बता दें? नहीं, आप बता दीजिए आप किसकी भी टीम है। किसी की भी टीम नहीं, ये तो खुद ही एक टीम है, ये तो एक दूसरे की भी टीम है। अच्छा, एक दूसरे की, बिल्कुल। वो तो बता रहे कांग्रेस ने बहुत विकास किया हल्द्वानी में बहुत विकास किया, मानते हैं आप? ये तो चुनाव से पहले जो है एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो फिर चुप बैठ जाते हैं, मित्र विपक्ष सब मित्रता हो जाती है इनमें, तो इनको तो आपस में एक दूसरे की बी टीम मानी है। हमें आप किसी की बी टीम मत कहिए, पहली बात तो। अब नेता प्रतिपक्ष जो थे वो मित्र विपक्ष थे। हाँ बिल्कुल, वो दोनों एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा में बैठ के कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है कुछ नहीं। मित्र विपक्षी भूमिका निभा रही, बिल्कुल निभा रही। कभी आप बताइए कि किसी इतने आरोप लगे 2012 के चुनाव में, इन्होंने बाकायदा एजेंडा बना के छापा था कि 56 आरोप इनके ऊपर, किसी पे कुंभ घोटाले का आरोप, किसी पर सिटूरजी आरोप, किसी पे केदारनाथ आपदा का आरोप, किसी पे कुछ, तो आपस में एक दूसरे पे आरोप तो इन्होंने खूब करे, लेकिन जब सत्ता में पहुंचे तो सब चुप, किसी के खिलाफ कोई जांच नहीं, किसी के खिलाफ कोई मामला नहीं, कहां गए वो? या तो तब झूठ बोल रहे थे या फिर सत्ता में आने के बाद झूठ बोल रहे थे। तो इनको मैं इसीलिए मित्र विपक्ष और मित्रता कह रहा हूं क्योंकि इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छा, यानी ये कह रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। मैं आपका सवाल आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड सर। हाँ, ये सारे आधी कैबिनेट इनके पास है, लेकिन एक बात नहीं बताई आपने। चलिए, आप मिनी स्टेडियम के बारे में मुझे नहीं बता रहे, एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना था कभी, खली साहब आए थे, वो स्टेडियम कहाँ है आजकल, उसमें कुछ हुआ कि नहीं? स्टेडियम कहीं जा सकता है? स्टेडियम में तो बहुत काम हुआ है और अनवरत अभी भी जारी है। कार्यदायी संस्था के पास सुनने में आया वो स्टेडियम आज भी है, कार्यदायी संस्था के पास। आम जनता के लिए कब खोलेंगे डबल इंजन की सरकार? जल्दी खुल जाएगा। कब खुल जाएगा? दिन का क्या है, अब तो चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, बहुत जल्दी ऐसा उम्मीद है लगने वाली है। रिंग रोड भी तब बनेगी जब डबल इंजन की सरकार। आप मिनी स्टेडियम नहीं बनवा पाए, डबल इंजन की सरकार। आप इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनवा पाए, डबल इंजन की सरकार। ये कौन सी डबल इंजन की सरकार? ये लिखवा के लेकर आ गए हैं कि सब कुछ हम ही करेंगे। 5 साल में स्टेडियम नहीं बना पाए, 5 साल में जो आईएसबीटी का मुद्दा यहाँ घूम रहा है, जो शहर की जरूरत है वो आईएसबीटी ये नहीं दे पा रहे। शहर के लिए विकास की बात करते हैं, ऐसा कौन सा विकास करके दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने जो बात करें कि हम विकास करा 5 साल में? डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो चुके हैं, ये मदारियों की सरकार है, मदारियों की सरकार। देखिए, ऐसा है, ये कार्ड की हांडी लेकर के घूमते हैं हर चुनाव में। अब सबको पता है कार्ड की हांडी, मैं किसको कह रहा हूँ, कार्ड की हांडी का मतलब है हिंदू मुसलमान लेकर घूमते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और बड़े बड़े बतौले छोड़ जाते हैं कि साहब हम ये कर देंगे 50। ये अभी बता रहे हैं खुलबे साहब, मैं आपकी पार्टी को कह रहा हूँ खुलबे साहब, व्यक्तिगत रूप से तो आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप बता तो ये दो कि आपने ऐसी कौन सी उपलब्धि करी जिस उपलब्धि को बांध कर कर करके आप फिर सत्ता में आना चाहते हो। हल्द्वानी के अंदर आपको मैं आपको बताता हूँ, आपके जो एजेंडा था जिसमें आपने पिछली बार जो आपका घोषणा पत्र था उसमें आपने क्या क्या वायदे करे थे, उनमें से एक वायदे का आपको एक और वादा याद दिला दूं। एक और वादा, आईएसबीटी का वादा किया था, बच्ची दाने। आप ही की बात लेकर जा रहा हूं साहब, मैं तो जवाब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछता हूं, ये मेरी आदत है। वो जो नहीं पूछते राष्ट्रवाद के नाम पे टकरा दो लड़ा दो भिड़ा दो वाले, वो दूसरे हैं। मैं सत्ता से ही सवाल पूछता हूं। इनको आने के बाद ये 56 विधायक से जीते थे 70 की विधानसभा में, अगर त्रिवेंद्र रावत
इतने बढ़िया मुख्यमंत्री थे तो भैया उन्हें क्यों हटाया गया चार साल में? और अगर वो नहीं थे, नाकाबिल थे, नकारा थे, तो चार साल तक ये वो इनसे पूछिए कि जनता का समय, जनता का पैसा और जनता के हित का जो है अहित आपने किया या नहीं किया। विजय बोगड़ा का भी इनसे हिसाब पूछूं? विजय बोगड़ा का भी पूछ लूं? अच्छा अच्छा त्रिवेंद्र, अच्छा विजय बोगड़ा का नहीं पूछूं? अच्छा चलिए विजय, अच्छा एक एक घोषणा और, एक घोषणा और, एक घोषणा। आपने कहा चलिए ठीक है आईएएस बच्ची दा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, बच्ची दा ने, मैं सही हूँ? बच्ची सिंह रावत ने आपका विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, क्या उस विजन डॉक्यूमेंट में आईएसबीटी का जिक्र था या नहीं हल्द्वानी के लिए आईएसबीटी का? मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ? पहले मैं ललित जी की बात का जवाब दे लूं, सुहेब जी की जवाब का बात का जवाब, मेरी बात का जवाब नहीं दे, आपकी बात का भी जो, आपकी बात का एक जवाब तो दे दीजिए। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे चार मित्र, ये पांचवा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टोटल मिला के दाही में नहीं पहुंच रहे हैं। और जो जहां तक ललित जी बता रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, इनका शासन बुरा रहा, जो भी उपचुनाव यहाँ हुआ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय, अभी ललित जी बोल रहे हैं, ललित जी की आवाज, मेरे को ऐसा लगता है ललित जी की आवाज नहीं जा रही होगी वहां तक, इसलिए ललित जी अभी चुप रहे, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। सल्ट में चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी, सल्ट में चुनाव हुआ भारतीय जनता, सवाल आईएसबीटी का पूछता हूँ, आप कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद, मैं आईएसबीटी का सवाल पूछता हूँ, आप कहते हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद। आईएसबीटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही थी, केंद्र की सरकार ने अनुमति दे दी, लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गए, जिस वजह से काम रुका हुआ है। अच्छा डबल इंजन की सरकार में काम रुका हुआ है, डबल इंजन की सरकार में, जोशी जी आ रहा हूँ, वो आदमी भी इनके थे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ खुलवे जी, आप बोलिए कि चार साल तक आपने जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुन करके रखा, मैं बताता हूँ इनकी असलियत, वो गलत थे या सही थे आपका, आप बताइए मुझे, उनको जो चार साल तक आपने चुन कर रखा, जनता का समय खराब किया नहीं किया? त्रिवेंद्र सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री थे बहुत सही थे, उनके समय पे बहुत विकास के कार्य हुए, उसके बाद तीरथ जी आए बहुत विकास के कार्य हुए, और पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री, तीन बार उनसे सवाल पूछा, चलिए उनको, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने त्रिवेंद्र जी से पूछा था कि त्रिवेंद्र जी आपको हटाया क्यों, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है? त्रिवेंद्र जी से आपने पूछा, उन्होंने कि मैंने पूछा, मुझे मैंने कहा आपको क्यों हटाया, कह रहे मुझे नहीं मालूम। मैंने तीरथ जी से पूछा, कह रहे मुझे नहीं मालूम, आपको पता है? अगर मैं कहूँ सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष क्यों बनाया, अच्छा, मैं केसरी जी पे जाऊँ, अच्छा नहीं, अगर मैं कहूँ तो इसका जवाब मेरे ललित भाई क्या इस बात का जवाब देंगे? आज मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको मालूम है क्यों हटाया त्रिवेंद्र? सबसे पहले मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो लोग उस तरीके से हाथापाई पे वहाँ देहरादून में लगे हैं, मेरे मित्र राजेंद्र शाह की आज जिस तरीके से इन लोगों ने पिटाई करी है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा चलिए, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नहीं बताया, मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नहीं बताया कि त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया, तीरथ जी को क्यों हटाया। अब एक सवाल आपसे पूछ लूं, एक सवाल, विजय बोगड़ा जी को क्यों हटाया था, विजय बोगड़ा को क्यों हटाया था? मेरी देखिए, हमने अगर विजय बोगड़ा जी सही तरह से कार्य नहीं करते, एक साल उनको समय दिया था, ये नहीं होता कि 56 विधायक आने के बाद 4.5 साल तक आप राज्य की जनता, जिसने आपको 56 विधायक दिए, जबरदस्ती उस मुख्यमंत्री को थोपे रखा, ऐसा मुख्यमंत्री जो 6 बजे बैडमिंटन खेलने चला जाया करता था देहरादून में, 8 बजे भी चले जाते थे, कई 8 बजे भी गेट बंद हो जाते थे, 8 बजे भी गेट बंद, सुबह कब हो रही है और शाम कब हो रही है, जो आदमी कभी पब्लिक से नहीं मिलता था, उस आदमी को 4.5 साल तक इन्होंने जनता का पैसा और जनता के उसमें, मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड में ऐसे भी रहे जो 8 बजे गेट बंद कर देते। अपने दोनों भाइयों से कि आपने एक सवाल पूछा था घोषणा पत्र के बारे में, कि आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा था, क्या करा, वही बात मैं कांग्रेस से ही पूछने जाता हूँ, घोषणा पत्र कांग्रेस का भी आया था, उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या करा, खंभे जरूर गाड़े गए लोगों को यहाँ गुमराह करा गया, और लोगों को डरा के राजनीति करी है कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस ने भी दबा के राजनीति करी, दबाव ने डराया कांग्रेस ने, कौन जो कांग्रेस के विधायक थे यहाँ पर डराते थे, दबाव की राजनीति करी आज तक, लेकिन जनता अब जागरूक हो, जोशी जी डरते थे क्या? जोशी जी की बात है, बहुत अच्छे आदमी है जोशी जी, कुलबे जी बहुत अच्छे आदमी है, फिर डरता कौन था? अच्छे आप डरते थे, नहीं, जनता डरी ना, अब जनता उस बात का जवाब, डर के वोट डालती थी। हल्द्वानी का मुद्दा, मैंने चार मुद्दे पूछे, इन्होंने जवाब नहीं दिया, ने कहा डबल इंजन की सरकार, मोदी जिंदाबाद। देखिए कांग्रेस गई टूट, भाजपा रही लूट, ये तो आज का नारा है, ये पूरा जो उत्तराखंड का जो अभी हल्द्वानी की विकास की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर हॉस्पिटल जितने अस्पताल हैं वो रिफर सेंटर हैं, अब गर्भवती माताओं की हमारी मृत्यु हो रही है, और ये पिछले 21 सालों से हो रहा है। डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं हमारे दोनों मित्र, ये जो विकास हुआ है ये विकास इन्हीं लोगों का हुआ है, कभी ये कांग्रेस में होते हैं तो कभी बीजेपी में होते हैं, कहीं इनका पता नहीं रहता कि कौन सी पार्टी में है, और ये जो है हमेशा जो है यही बात करेंगे कि हमने विकास किया, अरे विकास दिखाओ तो सही, आप भूल गए सत्ता की गोद में, एक सेकंड, सत्ता की गोद में तो आप भी बैठे,
सत्ता की गोद में तो आप भी बैठे, और जो गोद में बैठे हैं उन्होंने यूकेडी तोड़ दी। गोद में नहीं बैठे, हमने जो है उनको समर्थन दिया था मुद्दों पे। इनको भूमि कानून, भू कानून हम ही लाए थे यहाँ पे, जो हमने दिवाकर भट्ट जी ने मानी मुख्य जो मंत्री थे हमारे, उन्होंने भू कानून लागू किया था उत्तराखंड में, और आज भू कानून की मांग। अच्छा, तो यूकेडी टूटी क्यों थी? अगर दिवाकर भट्ट जी इतने अच्छे थे तो यूकेडी के 3 टुकड़े क्यों कर दिए थे? देखो भैया, ये राजनीति में चलता रहता है। तो आप करेंगे तो भला। देखिए, आज कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस कह रही है यूकेडी को लाओ। देखो आज यूकेडी को लाओ, हरीश रावत जी का बयान है, आप पढ़िए ट्विटर में देखिए। आपके चुनाव चिन्ह है ये कुर्सी, देख रहे हैं सर आप, और इसके चारों पाए आप ही के नेताओं ने तोड़ दिए थे मिलके। नहीं तोड़े हैं, हमने जोड़ लिए, फिर जोड़ लिए, हमने जोड़ लिया और मजबूती के साथ जोड़े। और अच्छा ओके, अब मैं पब्लिक के पास आऊंगा, आप लोग अपने हल्द्वानी के मुद्दे उठा सकते हैं और नेताओं से जवाब लेंगे। हाथ उठा लीजिएगा, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास क्या विजन है हल्द्वानी में, ये तो बताइए। हल्द्वानी के लिए विजन है, पूरे उत्तराखंड के लिए विजन है। उत्तराखंड में जो पिछले 20-21 सालों में जो काम नहीं हुए, और दिल्ली में 5 साल में हो गए, तो अगर दिल्ली में 5 साल में हो सकते हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकते? अगर अस्पतालों की हालत सुधर सकती है, स्कूलों की हालत सुधर सकती है, बिजली पानी वहां पर 24 घंटे के लिए बिजली आ सकती है, बिजली मुफ्त दी जा सकती है, तो उत्तराखंड में भी हो सकता है। सत्ता से, सत्ता से सियासतदान कहते हैं कि हम अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के पास जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना अंतिम छोर के पास जाते हैं हम, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है। मैं भी अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति के पास जाता हूँ। कहाँ गए भाई साहब? आइए, आप आइए, आइए 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 आइए, ताली बजाइए इनके लिए। ये है जनता, और जनता से पूछेंगे। मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे, मुझे जवाब नहीं मिले। मैंने गलत सवाल पूछे थे? नहीं, आपके सवाल बिल्कुल सही हैं। सवाल सही है? कोई मेरा सवाल कौन सा सही लगा? पहला सवाल तो आपका, जो आपने स्टेडियम के बारे में इनसे प्रश्न पूछा कि विगत 5 वर्षों से जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जो 100 पीस बना हुआ है, किन कारणों से नहीं खुल रहा है? दोबारा पूछ लूं? बिल्कुल पूछिए। और कब ये खेल विभाग के हैंड ओवर होने होगा? खेल विभाग के पास भी नहीं है। अभी खेल विभाग पे नहीं है, खेल विभाग के पास भी नहीं है ये स्टेडियम। बड़ा दुख होता है कि शहर में रहने वाले लोग, मैं कुछ चुनिंदा लोग, विपक्ष के लोग, जो विपक्ष विधिवत रूप ये भ्रमित है। ये तो आम जनता, मैं तो अंतिम छोर से पकड़ के ले आया इनको। मैं हल्द्वानी क्रीड़ा संघ का महासचिव हूँ, और मेरे पे 100% बिल्कुल ये खबर सच्ची है कि अभी ये कार्यदर्शी जो ये संस्था ने जो बनाया, उसी के हैंड ओवर है, खेल विभाग के ओवर नहीं हुआ अभी। खेल विभाग के पास भी नहीं है। खेल महासंघ के महासचिव जी जो कह रहे हैं, मैं उनकी जानकारी में, जैसे उनने 100% कहा, मैं 100% कह रहा हूँ कि लगातार निरंतर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में काम चल रहा है और अपना भव्य रूप लेते जा रहा है। अच्छा, भव्य रूप ले रहा है। एक सेकंड। इन सबका, ये सारे विपक्षी लोग हैं, सब मान गया, सारे विपक्षी हैं। आप सबूत दे दीजिए, बात खत्म करें, सबका मुंह बंद कर दीजिए। इन सारों की बात कर रहे हैं आप? ये सारे, ये पब्लिक है, ये सारे विपक्ष के नेता आपकी नजर में? ये आपसे सवाल पूछा, अगर सबूत दे दीजिए। मुझे तो इसमें 70-75% लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग लग रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है, ये सारे भाजपा ही हैं आप कह रहे हैं। ओके ओके, मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा हल्द्वानी का मुद्दा यही है, रोड नहीं डली है यहाँ पर, और बेरोजगारी सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी। हाँ, जब से बीजेपी आई है यहाँ पर नौकरियाँ तो जैसे खत्म ही हो गई हैं। यही हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी और शिक्षा, बेरोजगारी और शिक्षा वाकई मुद्दा है यहाँ के लिए? बेरोजगार लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। बेरोजगारी और शिक्षा मुद्दा है क्या? सड़कें जी नहीं बनी, नहीं बनी, सारी सड़कें ऐसे, सारी सड़कों पे गड्ढे, बिल्कुल गड्ढे जी। कहाँ गड्ढे? हल्द्वानी से लाल कुआ, हल्द्वानी से गोलापार, चुरकुलिया, सितारगंज, और हल्द्वानी से नैनीताल रोड, सब में गड्ढे हैं। अच्छा, सब सड़कों में गड्ढे हैं, ये कह रहे हैं सब सड़कों में गड्ढे हैं? बताइए बाबा, आइए आप बताइए। पूरे हल्द्वानी के अंदर पूरे सड़क बिल्कुल बेकार हो चुकी है, बेकार हो गई, बिल्कुल बेकार। सड़कें बनाते नहीं, ये देखिए सड़क बनाते क्या, बने ही नहीं है। अगर भारतीय जनता 5 साल में सड़क ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सड़क नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल कोई सड़क। जिम्मेदारी तो मौजूदा विधायक की थी ना? देखिए बात बताऊँ, एक बात बताऊँ, मैं सुबह घूमने जाता हूँ, यहाँ से लेकर के काठमांडू तक जाता हूँ घूमने के लिए, तो वहाँ मैंने रास्ते भर इतना गुस्सा आता है, गाली देता हूँ इन लोगों को मैं, कि कभी भी सड़क नहीं बनी हमारे घर के, तो इससे क्या काम बनेगा इनका, कैसे जीतेंगे आरक्षण ये लोग? कोई नहीं जीत सकता आरक्षण ये लोग, इस साल इनकी हारेंगी जरूरी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं। आपको बहुत गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। क्या पूरे किससे गुस्सा है, कांग्रेस से, बीजेपी? बीजेपी से। ये विधायक तो यहाँ पे कांग्रेस के थे, क्या करते हो इससे? तो विधायक तो क्या है, वो तो बिरादरी खत्म हो गई, वो तो उस जमाने में इंदिरा हृदय के टाइम पर इतनी बढ़िया सड़कें थी, पूरे गाँव से लेकर शहर तक, पूर्व तक, सब जगह सड़कें पक्की थी।
इसके बाद सड़क ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ बाबा, मैं पूछ लेता हूँ, आप आराम से, ये आराम से, यहाँ सड़क गड्ढा है, बहुत जबरदस्त गड्ढा है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मैं पूछ लेता हूँ सवाल। अभी आप भी गिर सकते हैं और मैं भी गिर सकता हूँ इस गड्ढे में, है ना, और सरकार भी गिर सकती है। मैं एक बात पूछ रहा था, ये कह रहे हैं कि बहुत गड्ढे हैं सड़कों में, है क्या बाकी? बिल्कुल सही बात है, यहाँ के मेयर को आप देख लो, नगर निगम भी है यहाँ पर, जब से नगर निगम बनाया है, एक छोटी सी नगर पालिका हुआ करती थी, जब वो काम मेयर भी कुछ नहीं कर पाए, विधायक भी कुछ, मेयर भी कुछ नहीं कर पाए, पूरे क्षेत्र को नगर निगम बना दिया, वो रो रहे हैं वो लोग जो नगर निगम बनाने के बाद जो उनकी सहूलियतें पहले ग्राम पंचायत से मिलती थी वो भी छीन ली लोगों ने, ये ना सफाई कर सकते हैं, ना वहाँ की गलियों की सड़कें बना सकते हैं, ना नाली बना सकते हैं, ये क्या करेंगे? क्यों सरकार, ये भाजपा के मेयर, भाजपा की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार जो बात कर रहे हैं, स्टेडियम की बात कर रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये स्टेडियम की बात कर रहे हैं, यहाँ का जो अभी आईएसबीटी जो नहीं बना उसके मकसद बता दूं आप क्या है, पहले कांग्रेस ने उसका शिलान्यास किया, ठेकेदार को काम दिया, उससे कमीशन पहले ले लिया, सरकार आ गई भाजपा की, कमीशन खा गई कांग्रेस, अब तो भाजपा उसको बनाए क्यों? अब ये ओके, कमीशन कांग्रेस खा गई, बाबा आपके पास आऊंगा, एक एक करके जवाब लेने दीजिए, आप ही के सवाल लेकर जा रहा हूँ, एक सेकंड जोशी जी आप थोड़ा सा फ्रेम में आइए, कांग्रेस फ्रेम में आए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फ्रेम में रहती है। मैं एक बात जानना चाह रहा था जोशी जी आपसे, ये कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी, पांच साल में अगर सड़कें नहीं बनी तो ये विधायक निधि कहाँ खर्च हुई? देखिए ऐसा पूरी तरह सत्य नहीं कि सड़कें नहीं बनी, विधायक निधि को भी आप देख लेंगे तो विधायक निधि में भी जो तत्कालीन यहाँ की विधायिका थी उन्होंने दिया है धन, और जो भी चाहे विधायक रहे, चाहे कोई भी यहाँ पर विधायक रहेगा वो करता ही है, उसमें इसमें इसमें ये पूरी तरह सत्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सत्य ये है कि जो रोड एक बार उखड़ी, पांच साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर निगम को ये ठेका दिया, लेकिन वो रोड आज तक नहीं बनी, आज तक। बताइए आप नाम लीजिए, मैं अभी पूछ लेता हूं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, इंटर कॉलेज के जो डिग्री कॉलेज उसके पीछे एमबी इंटर कॉलेज है, वो रोड है पिछले सवा साल से मैं देख रहा हूँ उस रोड पे, जो मिट्टी वहां पर थी वो मिट्टी तक उजड़ी नहीं। मैंने परसों ज्ञापन दिया था, मैं आज बैठने भी जा रहा था, मैं तो उस रोड पर बैठने जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब इसको पूरा करें, जोशी जी आप 24 घंटे रुक जाइए। ये कल का मैं उनके पास भी गया था, एक्शन पीडब्ल्यूडी के पास भी गया था, उन्होंने कह दिया साहब नगर निगम की बात है तो कॉलेज के पीछे वाली, ये कॉलेज के पीछे वाली। यस, मैं आज मैं आज ये कह रहा हूं कि हालात देख लीजिए कि 150 मीटर की मिट्टी उठाने की इनकी ताकत नहीं है, और ये कहते हैं कि उस उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार आसमान पे लेकर करके जाएगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का सत्य है, इनको दरअसल सत्ता करना आता ही नहीं। ओके, ये कह रहे हैं कि आप 1.5 साल में सड़क नहीं बनवा पाए, अब डबल इंजन की सरकार भागेगी कैसे? जिस सड़क की ललित जोशी जी बात कर रहे हैं, मैं इंदिरा हृदय जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात को कह रहा हूं, अभी इतना समय उनके निधन को नहीं हुआ है, लेकिन इनके यहाँ जो 36 का आंकड़ा रहता है इसका, शायद ललित जी इंदिरा हृदय जी के पास ही चले गए होते कि उस विधायक निधि से उस रोड की मरम्मत करवा दो, शायद इंदिरा जी करवा देती हूं। अच्छा जवाब दीजिए जोशी जी, आइए आइए सर पीछे। नहीं नहीं ऐसा ये सत्य नहीं है, नहीं वो कह रहे हैं, आप इधर आइए ना, मैं बात करवा देता हूँ आपकी, आप कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, हम साथ साथ हैं, कोई बात नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने, वरना वो कहेंगे मित्र विपक्ष है आप। नहीं 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 ऐसा है, देखिए ये इसमें पूरा सत्य नहीं, तो एक मजाक की बात हो गई, आप इसको पर्सनल बात छोड़िए, क्या उस जगह से सिर्फ ललित जोशी गुजरता है, क्या जनता नहीं गुजरती उस जगह से? तो ये बहाने कर 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 मत कह रहे हैं इंदिरा जी से करवा लेते, अरे नहीं, अरे तो ये मैं तो कह रहा हूँ, इनसे जवाब दीजिए ना कि 7 महीने उनकी तो मृत्यु हो गए, आप उनको छोड़ दीजिए, आप बताइए कि आपकी क्या है, 1.5 साल से वो सड़क उधड़ी पड़ी है, मैं एक ही सड़क की बात कह रहा हूँ, यहाँ तो अभी हमारे पूज्य हमारे पिता तुल्य हैं आपके सामने ये बता ही रहे थे सारी सत्यता, पूरे हल्द्वानी की सड़कें उधड़ी उधड़ी, आज तक उनकी मिट्टी तक हटाने की इनकी सामर्थ्य नहीं है। इंदिरा हृदय सिर्फ कांग्रेस की विधायक ही नहीं थी, नेता प्रतिपक्ष भी रही वो, और जब विधायक के कार्य क्षेत्र में कोई कार्य सरकार भी करती है तो शिलापट पे उसका नाम भी आता है, उसका पूरा सम्मान भी होता है, बावजूद इसके इंदिरा हृदय जी के रहते हुए इन लोगों ने जवाब दे, इनकी भी नहीं और आपकी भी नहीं जवाब दे, ये पब्लिक की है जो आपको वोट डालती है, पब्लिक की जवाब दे ये क्या? मैं आप अभी तो मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूँ, आप बात पूरी सुन कर आ रहे हैं, मैं तो पब्लिक की बात कह रहा हूँ, मैं अगली बात बोल रहा हूँ तो आप दूसरी तरफ को चले जा रहे हैं, आज पूरी आज आप देखिए नगर, अब स्वयं अभी स्वयं भाई साहब बता रहे थे बात, नगर निगम से बाहर की बात बता रहे थे, ललित जी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री बन रही है, पूछिए ना इनसे क्यों बन रही है, उनकी गाड़ी गड्ढे में ना चली है, प्रधानमंत्री की गाड़ी गड्ढे में ना चली है, अब पूरा प्रशासन शासन लगा पड़ा है, जनता की गाड़ी कमाई इसी में लगाई है, गड्ढे बनने में लगाई थी। अच्छा मतलब विधायक जी भी नहीं बना पाई और आप ये कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री आएंगे तब बनाएंगे, मतलब विधायक जी भी नहीं बना पाई। ओके, जो 21 सालों का विकास है ना वो सामने नजर आ रहा है, ये पिछले जो है हमारी कांग्रेस और बीजेपी की सरकार जो मिली जुली सरकारें हैं
इन्होंने यही विकास किया है, ये सड़कें, गड्ढे, ये जो ट्रैफिक, ये जो पानी की समस्याएं, ये लाइटों की समस्याएं, ये सारी समस्याएं जो 21 सालों में निकाल के लाए हैं उत्तराखंड में, ये समस्याएं पूरी जो है ये इन्होंने विकास यही किया है। तो ये विकास नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा पूरा। हल्द्वानी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपका? हल्द्वानी के सभी बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा सड़कों पर तो मैंने पूछ लिया, ISBT है, विधायक जी ने नहीं बनाई, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं बनाई, बिल्कुल ठीक है, ISBT है, उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, स्टेडियम है, रिंग रोड है, तमाम समस्याएं समस्या है, पानी की समस्या है, पेयजल की इतनी जबरदस्त समस्या है हल्द्वानी के अंदर, कई कई मोहल्लों में हफ्तों तक पानी नहीं आता, लोग तड़पते हैं, तो उनकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अस्पतालों में आप चले जाइए, सरकारी अस्पतालों में, वहां पे ये हालत है। एक मुद्दा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा, सुशीला तिवारी से एक प्रेग्नेंट लेडी को रेफर कर दिया गया कि साहब यहां पर डिलीवरी नहीं हो सकती, बाहर ले जाइए, और वो उस महिला को उसके घर वाले ट्रेन में लेके दिल्ली जा रहे हैं और मुरादाबाद में डिलीवरी हो जाती है। मैंने उस पर लिखा था कि अगर ट्रेन में डिलीवरी हो सकती है तो अस्पताल किस काम के हैं, बंद करिए ने ट्रेनों में कराइए डिलीवरी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये वाकई में बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अगर नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में आप लोग लड़िए, जवाब विपक्ष भी मांगे और सत्ता पक्ष से मांगे और सत्ता विपक्ष को जवाब दे। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो इन्होंने भूमिका उठाई, जो बिंदु उठाया, वो अपने आप में एक मानवीय बिंदु भी है। अगर कोई महिला के प्रेग्नेंट लेडी की रास्ते में डिलीवरी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी नेता नहीं है, उसका जिम्मेदार पूरा समाज है और उसके जिम्मेदार आप और हम सब हैं। तो फिर इसकी जवाबदेही कौन है, किसकी जवाबदेही? मैं बता रहा हूं इसकी जवाबदेही क्या है। उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो गए, ये बात करें शिक्षा स्वास्थ्य में, कितने अस्पताल बना दिए उन्होंने, कितने स्कूल बना दिए, जितने स्कूल सरकारी थे आज में वो हालत है, 8,000-10,000 कमाने वाला आदमी अपने बच्चों को भी चाहता है अच्छी शिक्षा दे, उस स्कूल में मास्टर नहीं है, इन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल बनाए आप लोगों ने, इतना बड़ा सुशीला तिवारी अस्पताल नरेंद्र तिवारी बनाकर के, की हकीकत तो वो बता रहे हैं। नहीं नहीं, बड़ा है, सुनिए, मैं एक बात है, मैं आज ये बात बोल रहा हूँ और ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और आप इसकी जांच करा लीजिए कि कांग्रेस के समय पर जितने ज्यादा स्कूल और अस्पताल बने बराबर की रही है कांग्रेस और भाजपा, भाजपा ज्यादा रही है हमसे सत्ता में। इनसे पूछिए भाजपा से कि इन्होंने कितने स्कूल अस्पताल बनाए, ये तो एक पब्लिक से पूछ लेता हूँ, मैं पब्लिक से पूछ लेता हूँ, सुशीला तिवारी अस्पताल की हकीकत, सुशीला तिवारी अस्पताल की हकीकत मैं पब्लिक से पूछ लेता हूँ। मेरी एक गुजारिश है भाई साहब, थोड़ा सा पीछे, सुशीला तिवारी अस्पताल की हकीकत, एक सेकंड, क्या है हकीकत सुशीला तिवारी? हकीकत ये है, बना तो वो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बना, एम्स की टक्कर का बना, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार उस लेवल के ना ही डॉक्टर, ना ही कोई एक्सपर्ट, ना ही कोई मशीन चलाने वाले आज तक ला पाए, इसीलिए वो लाचार सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल अस्पताल ही बीमार है, ये कह रहे अस्पताल ही बीमार है। भाई साहब, मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है, 21 साल दोनों सत्ता में बराबर रहे, दोनों को ताकत भी मिली, भरपूर मिली। मैं बम्बुलपुरा से आता हूँ, 1.5 लाख की आबादी है बम्बुलपुरा के अंदर, इन दोनों ने, दोनों ही पार्टियां, बल्कि सारी पार्टियां मौजूद है, लेकिन जो सरकार में है, सवाल उससे है, 1.5 लाख आबादी के लिए क्या करा इन्होंने और आगे इनकी क्या प्लानिंग है? इन्होंने कांग्रेस के टाइम पे हुआ ये कि कूड़ा घर बनाया गया कांग्रेस के टाइम पे, और जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है हमारा, अवैध ट्रेंचिंग ग्राउंड, उसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। 17 नंबर में इंदिरा जी के होते हुए, सारे अधिकारियों के होते हुए, निगम के होते हुए वहाँ खंभे लगा दिए गए, वहाँ के लोग जब सोते हैं तो सुबह को ये पता नहीं है कि उनकी आँख उनके घर में खुलेगी या कहीं और जाकर के खुलेगी, इतने भय में वो लोग रहते हैं। बीजेपी ने उसमें ये विकास करा कि उसमें आग लगा दी, 1.5 लाख लोग उस आग के धुएं के झुलस रहे हैं और वहाँ बीमारी दिन ब दिन पनप रही है। एक बार आप जगह का नाम बताइए। इंदिरानगर ट्रेंचिंग ग्राउंड, इंदिरानगर। एक सवाल और है, इन्होंने 21 साल सत्ता करी, 21 साल इन्होंने सत्ता नहीं करी, ये इनका, ये हमारा और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 21 साल इन दोनों को टाइम दिया जनता ने और ये कुछ नहीं कर पाए, और इन्होंने बराबरी से एक लूट का काम करा है और इसके अलावा कुछ नहीं करा। आधी कांग्रेस तो कैबिनेट का हिस्सा है आपकी, चलिए कोई बात नहीं, वो आप मित्र विपक्ष वाली बात कर रहे थे, लेकिन जो इनकी 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 जो मांग थी वो गलत है। इनकी बात का जवाब भी दूंगा, पहले ललित जी की बात का जवाब दूंगा, आपकी जानकारी के लिए भी कहूंगा, इस जनता की जानकारी के लिए भी कहूंगा, जो लोग रुद्रपुर की बात कर रहे हैं, तीन पानी की बात कर रहे हैं, अपने इन मित्रों को भी मैं बताना चाहूंगा, 200 बेड का अस्पताल,
मोती नगर में यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की वो भी बन रहा होगा और बहुत तेज गति से वो भी बन रहा है ना। लेकिन ये वो भी बन रहा है ना। लेकिन ये इनके मुंह से नहीं निकलेगा। मैं अपने इनकी बात का जो मैं आपकी तीन घोषणाएं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की वो पूरी नहीं की आपने। मैं आप भाई साहब आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए आप एक सेकंड मेरी बात सुननी होगी। पहले मैं दूसरी बात का भी जवाब दूंगा जो ललित जी ने बोला था अभी 80% ललित जी ने एक तो जमरानी वाली जो बात करी थी बंसीधर भगत जी ने जब ललित जी शायद प्राइमरी में पढ़ते होंगे जब उसके बाद आप बोलेंगे आपके आपका नंबर आएगा शायद ललित जी तो वैसे उम्र का वैसे अंदाज जो लगा रहा हूँ शायद प्राइमरी में पढ़ते होंगे उस समय बंसीधर भगत जी ने जमरानी के लिए आंदोलन किया था और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज ही के अखबार में आप देख सकते हैं कि वहां के सारे खेत नंबरों को दिखा दिया गया है और उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मेरी आदत है एक सेकंड प्लीज मैं बिल्कुल जवाब दीजिएगा बिल्कुल एक आप काबिल प्रवक्ता है मैं मान गया लेकिन मेरी मजबूरी है मैं सवाल नहीं भूलता। इन्होंने जो सवाल जो मुद्दा उठाया जायज है कि नहीं अब इनका कौन सा वाला सवाल एक बार और दोहरा दीजिए दोबारा पूछवा लेता मुझे मालूम था तभी तो मैं इनको यहाँ लेकर आया पूछिए दोबारा। एक कूड़ा घर है अवैध ट्रेंचिंग ग्राउंड इंदिरा नगर बाईपास पे 21 साल दोनों ने राज करा कांग्रेस के टाइम पे वो बना बीजेपी के टाइम पर उसमें आग लगाई गई डेढ़ लाख लोग वहां रहते हैं क्या वो इंसान नहीं है क्या आप उनको इंसान नहीं समझते जैसे आप इंसान हो वैसे हम इंसान है वैसे वहां भी इंसान जवाब दीजिए। इनकी बात का समर्थन भी करता हूँ इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है क्या वो लोग इंसान नहीं है कूड़ा जिस तरीके से जल रहा है प्रदूषण हो रहा है वहां पे लोग रहते हैं लेकिन हमारे मेयर जोगिंदर पाल सिंह रोहतेला ने उस गंभीर समस्या का संज्ञान लिया है और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया। ये भी करने वाले होंगे आप ये भी करने वाले उसके लिए निस्तारण के लिए उसके लिए प्लांट शुरू मैं बताऊं असली मुद्दा क्या है। अरे मैं मुद्दा बता दूं क्या है। ये दोनों सरकारों में रहते हैं जब सरकार कांग्रेस की होती है जिस चीज को ये लाके रख देते हैं जिससे जनता पीड़ित होती है उस टाइम पे ये आंदोलन में बैठ जाते हैं कि सत्ता के विरुद्ध बैठ गए। जब सत्ता इनकी आती है और जब ये आगे बैठ के आते हैं जो जनता समस्याएं होती है फिर आगे आंदोलन पे बैठ जाते हैं। ये दोनों जब ये सत्ता में तो ये आंदोलन पे जब ये सत्ता में तो ये आंदोलन पे तो दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों के दोनों मिले मिली भगत है जनता का मिली भगत जैसे भी मेरे भाई ने कहा नेता प्रतिपक्ष कभी कोई सदन में बात नहीं उठाते यहाँ के नेता विपक्ष में कभी कुछ बोलते नहीं। महंगाई आज देव की सीमा पे विपक्ष सुबह महंगाई मुद्दा कहा है कोई मुद्दा महंगाई पूछवा दूं आपके सामने महंगाई मुद्दा है पेट्रोल कहाँ पर है पूछो इनसे नहीं महंगाई मुद्दा है आपके सामने पूछवा देता हूँ महंगाई मुद्दा है जहाँ तक डीजल की बात यह करते हैं नहीं महंगाई मुद्दा है कि नहीं जहाँ तक इनके लिए तो महंगाई मुद्दा इनके लिए तो महंगाई मुद्दा इनके लिए तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है महंगाई कोई मुद्दा नहीं है सरकार से पैसा आ रहा है लोगों के पास भाजपा के पास महंगाई जब जनता की एक मिनट मैं पहले इनकी तीन बातों का जवाब दूंगा क्योंकि आपने मुझे बहुत देर में समय दिया। पहले बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े आदर के साथ आपने एक बात बोली कि बंसीधर भगत ने जमरानी वाद आंदोलन उठाया ये जनता यहां पर खड़ी हुई है। मैंने 10 साल नरेंद्र तिवारी जी से 2005 में वो फाइल पास मैंने कराई थी जमरानी वाद की मैं ही आप इस बात को सिर नीचा नहीं कर सकते आप सरेआम झूठ नहीं बोल सकते। मैं 10 साल उसके लिए लड़ा हूं तब जाकर जमरानी वाद स्थिति में आया जो आपने किया मैं बताता हूं। आपने आपके जो एमपी श्रीमान भट्ट जी हैं 5 साल से कह रहे हैं जमरानी वाद बनेगा ये बनेगा वो बनेगा बस अब कल उसका शिलान्यास होने वाला है दम 30 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहा है करा दीजिए शिलान्यास मान जाऊंगा करा दीजिए शिलान्यास। ललित जी ने कहा आपके एमपी इन्होंने कहा आपके एमपी भट्ट जी 5 साल से कह रहे हैं भट्ट जी को अभी जितने दिन ये वाली लोकसभा है इस लोकसभा से यहाँ के क्षेत्र में वो भ्रमण पे हैं जहां तक ये 5 साल की ये वाली बात को कह रहे हैं और बंसीधर भगत जी ने वो आंदोलन किया था नहीं किया था यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं वो बताएंगे। बहुत देर से वेट करें जमरानी बात की जब मुद्दा है ये हर चुनाव में आता है और इसमें एक एमपी साहब हमारे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी तो रिटायर भी हो गए हैं उन्होंने ये जमरानी बात के नाम पर ही जीते थे और माननीय बंसीधर भगत जी भी जमरानी बात के नाम पर ही जीते थे। लेकिन ये जमरानी बात का मुद्दा जो है जब यहाँ पर जमीन हुआ करती थी खेती की जमीन जब जरूरत थी तब तो बना नहीं पिछले 45 साल से मैं यही देख रहा हूँ जमरानी बात 45 साल हो गए जब बना नहीं। अच्छा ये फाइनल कमेंट एक प्रश्न देखिए मुझे ये नहीं पता कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी बुरी है पर लेकिन जब तक यहाँ पे कांग्रेस सरकार रही यहाँ पे हमें अच्छी सड़कें मिली अभी ये डबल इंजन की सरकार हमने देख ली है सड़कें ऐसी टूटी फूटी पड़ी है ना कि गाड़ी को देखना पड़ता है कि छोटे गड्ढे से निकालूं बड़े गड्ढे से निकालूं। जो बीजेपी के आयु है यहाँ पे
वो बता दें ऐसा क्यों हो रहा है। अब चुनाव आ गया तो अभी मुझे आज जानकारी मिलेगी कुछ कुछ। चलिए चलिए, मैंने ये सवाल सबसे पहला सवाल उठाया था सड़क का। मैंने प्लीज आप ही की बात ली। मैंने पहले ही आपका पहला सवाल ही यही था। मैं ये चाहता हूँ कि इस देखिए भाई साहब, मैंने आपको भी पूरा मौका दिया और सबको पूरा मौका दिया। एक सेकंड, मैं चाह रहा हूँ कि चर्चा करें, बहस ना करें, हम चर्चा करेंगे। आपके सामने उन्होंने बोला महंगाई मुद्दा ही नहीं है। कितना असंवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, ये समझ में आता है कि श्रीमान भाई साहब जो हमारे खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई जिससे जनता त्रस्त है, लोगों के चूल्हे पूरी तरह से नहीं जल पा रहे हैं, वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जनता से कितना कनेक्शन है। दरअसल इनके जो आरएसएस के जो ग्राउंड से निकलती है चीज, उसमें कहीं भी जनता की बात होती ही नहीं है। लेकिन वोट तो आपको अपने विधायक के नाम पर भी मानना है। अगर मैं आपने अपनी बात को रखा, मैं बीजेपी का प्रवक्ता होता तो सत्ता से सवाल ही नहीं पूछता। अगर मैं बीजेपी का प्रवक्ता होता सत्ता से सवाल नहीं पूछता। सत्ता से सवाल पूछना मेरी आदत है। मैं प्रवक्ता सिर्फ जनता का हूँ। मैं सत्रह साल से सत्ता से ही सवाल पूछ रहा हूँ, सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। सवाल अगर पूछ रहे तो आप पूरी बात मेरी सुनिए। अभी इनके जो सवाल जो आपने इनसे पूछे, जो इन्होंने जवाब दिए, उनका जवाब भी मुझे देने दीजिए। मैं कांग्रेस के नेता की हैसियत से खड़ा हूँ, आपने बुलाया ना, तो मैं अपनी बात का जवाब दूंगा, अपनी पार्टी की बात का पक्ष रखूंगा। दूसरी बात इन्होंने जो बोली थी, मैंने उसकी बात का जवाब दे दिया कि ये कितने असंवेदनशील है। अब हकीकत यह है, अब आप में बिल्कुल सच्चाई पे आ जाऊं। देखिए, हल्द्वानी के बहुत मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का है। आप ये देखिए कि हल्द्वानी एक तरह से राजनीति का रेफरल सेंटर तो है ही है, एक तरह से हमारे जो बीमार आते हैं पहाड़ से उनका रेफरल सेंटर भी है, और सबसे बड़ा रेफरल सेंटर ये बन गया है बेरोजगारों का। पहाड़ से लोग इस हल्द्वानी के अंदर आते हैं इस आस में कि हमें यहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया। ठीक, आप देखिए, मैंने भाई साहब आपको पूरा मौका दिया। मैं वक्त से ऊपर चला गया, मैं वक्त सिडकुल पर बात कर दिया, ये जनता तय करेगी। अब सुनिए, आपने आरोप लगाया, सुनिए, इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर सुनिए, आपने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए, मैं यहाँ पे जनता का प्रवक्ता था, मैंने सत्ता से सवाल पूछे। और ये वो कलम गुलाम नहीं है साहब, जिनकी गुलाम है वो वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है जनता के बीच में खड़े होकर सवाल पूछने की। मैं सत्ता से सवाल कर रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि ये कलम खरीद नहीं पाया, मैंने सबको समय दिया। अगर ये गलती आपकी, अगर आप सत्ता में होते तो सवाल मैं आपसे भी पूछता, सत्ता से होते। देखिए, चर्चा में खत्म, भाई साहब एक सेकंड, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, एक सेकंड, बिल्कुल मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक नारे के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as